हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं साउंड एंड वाइब्रेट के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है साउंड एंड वाइब्रेट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पूरी सेटिंग के बारे में बताऊँगा, जैसे कि साइलेंट मोड, साइलेंट मोड को आप ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे ऑन जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब से क्या होता है, जैसे कि आप मीटिंग वगैरह में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब करता है, तो डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी शो हो जाएगा कि आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसको कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंगटोन, रिंगटोन पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपको यहाँ पर रिंगटोन शो हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए। तो आप कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये लगाना चाहते हैं ये लगाना चाहते हैं, या फिर ये लगाना चाहते हैं तो मैं ये लगा लेता हूँ, इस तरीके से कर सकते हैं। ऑन दिस डिवाइस पे जाएंगे, ऑन दिस डिवाइस पे जाने के बाद सॉन्ग वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह, इसे आप अपने रिंगटोन पे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है फैंस वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।